फॉरफेस सेंटर क्यूबिक सेल एफसीसी, ये ट्रायंगल कंसीडर किया एबीसी जिसका एज लेंथ ए, सब एज लेंथ ए रहेगा और ये बी लिया, ठीक है बी। अगेन ये सेम एक एटम यहाँ पर रहेगा और एक इधर और एक यहाँ इस तरह से, तो हाफ एक पूरा और एक हाफ, मतलब एक दो तीन चार आर हुआ बी, मतलब ये चार आर हुआ, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दैट इज बी इक्वल टू रूट ऑफ टू ए, बट बी इज ऑल्सो फोर आर, देर फोर फोर आर इक्वल्स टू रूट टू ए एंड दैट गिवस ए इक्वल टू टू रूट टू आर एंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए इज आर इक्वल्स टू ए अपॉन टू रूट टू। तो यह रिलेशन मिलेगा एफ सी सी के लिए रेडियस एंड एज लिंक का। एच सी पी अरेंजमेंट, एच सी पी हेक्सागोनल क्लोज पैक, बेस एरिया हेक्सागोन का जिसका फॉर्मूला होता है सिक्स रूट थ्री आर स्क्वायर, अगर हाइट ऑफ हेक्सागोन निकालना है सो दैट इज फोर आर इंटू रूट ऑफ टू बाई थ्री, फोर आर बट ए इक्वल्स टू अगेन टू आर होता है, तो ये हो जाएगा टू ए रूट टू बाई थ्री ये हाइट के लिए। एंड वॉल्यूम अगर निकालना है हेक्सागोन के लिए, यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोन के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 24 एंड रूट में 2r क्यूब। तो ये पूरा रिलेशन रेडियस एंड एज लेंथ के बारे में होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का बॉर्डर सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे जो आता है 64r क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री, ये वाला वैल्यू। ये कैसे मिला, तो ए का फॉर्मूला रेडियस के साथ रिलेशन ए इक्वल्स टू फोर आर अपॉन रूट थ्री, जब इसका क्यूब करेंगे तो फोर आर बाय रूट थ्री का क्यूब होगा 64r क्यूब अपॉन थ्री रूट थ्री। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ये कैसे, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं, टू रहते हैं, नंबर ऑफ एटम बीसीसी के लिए टू होता है, इंटू फोर बाय थ्री पायर क्यूब, सो दैट इज 8/3 पायर क्यूब जो यहाँ पे लिख दिया, इंटू 100, तो इसका कैलकुलेशन 68% मिला। तो पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का 68% होता है। फॉर एचसीसी, एचसीसी के लिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं, तो अगर इस टाइप से जाएंगे तो 6 × 4/3 पायर क्यूब रहेगा, यह रहेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो इसका रहता है 24 रूट टू आर क्यूब रहता है, और इसका कैलकुलेशन जो रहेगा दैट इज 74%। तो ये 74% ये क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एचसीसी। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हर एक कोई यूनिट सेल्स के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो पैकिंग डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। स्फीयर्स मतलब जो भी स्ट्रक्चर में जितने भी स्फीयर्स रहेंगे उसका टोटल वॉल्यूम, एंड यूनिट सेल का वॉल्यूम, दोनों का रिलेशन। पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वन स्फीयर का कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ इसका वन स्फीयर जो रहता है वो रहता है 4/3 पायर क्यूब जो मैंने ऊपर लिया, एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं सिंपल क्यूब के लिए, वन रहता है, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू कितना 2r हो जाएगा। और अगर ए क्यूब करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, ए क्यूब करना है तो 8r क्यूब इसका आंसर आएगा, ठीक है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे जिसका आएगा 52.4%। तो ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। उसी तरह से एच सी पी एंड एफ सी सी के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड फेसेंट क्यूब, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर देखना है, देखो
ए इक्वल्स टू क्या, फोर अप फोर आर अपॉन रूट टू होता है, दैट मीन्स ए क्यूब का आंसर आएगा 4R बाय रूट टू का क्यूब, दैट इज 32 बाय रूट टू आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिला, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिला। ना टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका वैल्यू 4 जो नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के लिए रहते हैं, दैट मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3, दैट मीन्स ये 16 बाय 3 यहाँ पे मिला, और ये पायर क्यूब तो रहेगा आगे पायर क्यूब, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, ऊपर जाएगा 16 पायर क्यूब बाय 3, नीचे आएगा 32 आर क्यूब बाय रूट 2 एंड विच इज मल्टीप्लाई बाय 100, इट गिव्स 74%। सो 74% इज द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एच थ्री एंड एच सी।